तो ये लीजिए मटर की खस्ता कचौरी तैयार हो गई है और हमने सर्व भी कर दिया है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। हेलो गाइस, वेलकम टू नेहराज किचन। तो खस्ता कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक डाल दिया है। अभी इसके अंदर हम मोइन डालेंगे, तो मोइन में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है रिफाइंड। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, बस इसके अंदर कोई भी स्मेल वाला ऑयल हमें यूज़ नहीं करना है, इससे कचौरी में अलग ही स्मेल आती है, तो वो ऑयल आप बिल्कुल भी यूज ना करें। अब मैदा को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मोइन की वजह से ये कचौरियाँ हैं वो खस्ता होती हैं, तो मोइन में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। और भी मैं दूसरा आपको तरीका बता देती हूँ कि मोइन का हमें किस तरीके से पता लगाना है कि कितना डालना है इसके अंदर। तो देखिए, इस तरीके से हम हाथ में दबा कर देखेंगे तो उसकी मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। कचौरी के लिए हमें जो डो तैयार करना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, ताकि उसको फिल करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके का डो चाहिए। ये देखिए, इस तरीके का सॉफ्ट डो होना चाहिए। और अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ली है, काफ़ी सारा हरा धनिया लिया है और अदरक ग्रेट करके रखी हुई है। अब सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो पीसते टाइम हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे धनिया की क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हैं, क्योंकि धनिया है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो आप धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। और सर्दियों में एकदम फ्रेश धनिया मार्केट में मिल जाता है, तो इसमें ढेर सारा धनिया डालिए ताकि कचौरी का टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा और हमें कैल्शियम भी मिलेगा। तो लीजिए, काट कर हमने तैयार कर लिया है, अब इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। पीस कर हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने पानी यूज़ नहीं किया है, तो ये ऐसा ही पेस्ट तैयार होगा। और अब इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम एक पैन गर्म कर लेते हैं और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने घी डाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें मटर को थोड़ा रोस्ट करना है। और मटर को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए, मटर डाल देते हैं और चलाते हुए इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें मटर को थोड़ा ग्राइंड करके इसका भी एक पेस्ट तैयार करना है, ताकि हम फिलिंग तैयार कर सकें। यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश मटर यूज़ किए हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मार्केट में एकदम फ्रेश मटर मिल जाते हैं। तो फ्रोजन मटर तो हम ऑफ सीजन में यूज कर सकते हैं, अभी हमें अगर फ्रेश मटर मिल रहे हैं तो क्यों ना हम ये यूज करें। इस तरीके से हम फिलिंग तैयार करते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए हम फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो लीजिए, मटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसको हम गैस के ऊपर से उतार लेते हैं। जार में डालकर इसका भी हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, पेस्ट तैयार हो गया है और जो हमने पहले धनिया का पेस्ट बनाया था उसी के अंदर हम डाल देते हैं, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है हमें। तो लीजिए, इनको भी हमने बॉल में डाल दिया है और अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, जो खाने वाली चम्मच होती है वो मैंने यहाँ पे ली है, और 1/2 चम्मच में यहाँ पे मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 1 चम्मच में यहाँ पे सौंफ का दरदरा पीस कर पाउडर बना लिया है, ये लिया है, और ये क्रश किया हुआ धनिया लिया है, ये भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक लेंगे और 1 टीस्पून में यहाँ पे जीरा पाउडर ले रही हूँ, ये भुना हुआ जीरा है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, इनको मिक्स कर लिया है और ये भी इसी के अंदर हम डाल देते हैं। फिर से हमने गैस पे पैन रख दिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया है। तो अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे और 2 पिंच इसके अंदर हम हींग डालेंगे। हींग है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हींग भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मसाला तैयार किया था वो भी डाल देते हैं और घी में इसको भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हम इसको भून लेंगे, क्योंकि भुनने के बाद में मसालों का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। मसालों को ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम हल्का हल्का ही भूनेंगे इसको। ये देखिए, पहले से ये काफ़ी भून चुके हैं और मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे, तो बेसन से हमारे मसाले के अंदर बाइंडिंग आएगी और इसी स्टेज पर बेसन डालने से
बेसन है उसका कच्चापन चला जाएगा, ये भुन जाएगा मसालों के साथ में ही, जिससे हमारी कचौरी में जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ऐसे ही चलाते हुए हम सारे मसालों को भून लेंगे, क्योंकि मसाले अच्छे से भूनेंगे तभी हमारी कचौरियों का टेस्ट अच्छा आएगा। और सारे मसाले अब भून चुके हैं, तो अब इसके अंदर हमने जो पेस्ट तैयार कर रखा है मटर और धनिए का, वो भी डाल देते हैं, क्योंकि इनको भी मसाले के साथ में हमें पकाना है। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए हमें इसको साथ में पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और थोड़े से मसालों के साथ में पक भी जाएंगे। वैसे तो सारी चीज़ों को हम पहले से भून चुके हैं, लेकिन मसालों के साथ में हम इन सारी चीज़ों को भून लेंगे थोड़ा सा, जिससे सारा मसाला है वो बाइंड हो जाएगा और ये फीलिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी, जिससे कचौरी को हम जब फील करेंगे और उनके लिए बॉल बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए फीलिंग तो ज़्यादातर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ, जिससे सारी चीज़ों का जो बैलेंस है वो सही हो जाएगा और कचौरी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको मीठा पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मिठास नहीं आने वाली है, पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। फीलिंग तैयार हो गई है और गैस के ऊपर से अब नीचे उतार देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो लीजिए हमने जो फीलिंग तैयार की थी वो ठंडी हो गई है और अब इसकी हम बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो बॉल के लिए मेजरमेंट मैंने यहाँ पे चम्मच का लिया है, जिससे हमारी सारी बॉल एक जैसे, आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं लेकिन वो छोटी बड़ी बॉल्स बनेंगी, तो इसी साइज़ की हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी बॉल्स हमने तैयार कर दी हैं और अब हमने जो कचौरी बनाने के लिए डो तैयार किया था वो चेक कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट डो बनकर तैयार हुआ है, जैसा हमें चाहिए था कचौरी के लिए वैसा ही बना है। अब इसकी भी हम लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने बॉल बनाकर तैयार किए हैं उसी तरीके से इसकी सारी लोइयां तोड़कर और पहले से हम कचौरी को बनाकर रख लेंगे और उसके बाद में हम इसको फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अंगूठे की हेल्प से इसके किनारे हैं वो पतले करेंगे और बीच में से इसको मोटा रखेंगे, ताकि इसके अंदर फीलिंग भरते टाइम ये फटे नहीं और ये जब हम फ्राई करेंगे तो फूलेंगी भी अच्छी। तो लीजिए सबको हमने तैयार कर लिया है और अब इनको हम फिल करते हैं। तो फिल करते टाइम इस तरीके से हम बॉल को अंदर रखेंगे और इनके किनारों को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करते हुए और इस तरीके से पूरा हम बाइंड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कचौरी कहीं से खुली नहीं रहनी चाहिए, वरना फ्राई करते टाइम इसका मसाला है वो निकल जाएगा। तो हल्के हाथ से हम इस तरीके से दबा देंगे और ये लीजिए कचौरी तैयार हो गई है। तो सारी कचौरियों को हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, बीच में से हमें मोटा रखना है ये याद रखिए आप, और इसके किनारे हैं वो उंगलियों की हेल्प से थोड़ा बड़ा करके और बॉल को अंदर रखकर हम इस तरीके से बाइंड कर लेंगे और इसको पैक कर देंगे। सबको हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और दूसरी साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हम बनाएं तब तक वो गर्म हो जाए। ये ऑयल गर्म हो गया है और मैंने इसके अंदर कचौरी भी डाल दी है, तो जितनी कचौरियाँ एक साथ इसके अंदर आ सकती हैं उतनी हम डाल देंगे। और ऑयल है वो हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, इसको मीडियम रखना है। और फ्लेम को भी हम लो मीडियम पे रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर हम करते हैं तो कचौरियाँ बाहर से तो पक जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी, तो इसीलिए हमें फ्लेम को थोड़ा कम ही रखना है। और शुरुआत में इसको डालते ही कचौरियों को बिल्कुल नहीं हिलाना है, थोड़ा सा वो जब एक साइड में थोड़ी पक जाएँ तो उसके बाद में हम इनको पलट देंगे। ये देखिए कचौरियाँ फूलनी शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से सारी कचौरियों को उलट पलट करते हुए हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए पहले से तो कलर चेंज हो गया है, लेकिन हल्का सा और ब्राउन कलर इनका हमें चाहिए, तो कुछ देर के लिए और पकाते हैं। तो गाइज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि सर्दी के मौसम में ऐसी ही रेसिपीज़ मैं और भी लाने वाली हूँ। तो सारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म कचौरियों को हम सर्व करते हैं। तो इनको आप चाय के साथ में या टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ में ले सकते हैं, ये सब के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब देरी किस बात की, आप भी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।